और मेरा एक रूल था कि मैं कभी भी किसी के साथ खाना नहीं खाऊंगा सेट पे मुझे अकेले खाना पसंद है लेकिन पहली बार मैं शुम्बुल के साथ खाना खाता हूँ एवरीडे क्योंकि इसमें शुम्बुल तो आखिर है इसलिए देखेगी और फिर प्यार होगा फिर नफरत होगा फिर वो प्यार करेगी ये नफ़रत करेगा इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है बहुत ही रियल फेस में रखा है एंड इज लाइक जी शो का नाम है काव्य एक जज्बा एक जुनून और ये शो मेनली कहानी है काव्या की उसकी आई एस जॉनी की और कैसे वो अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करती है काव्या एक सोच है एक बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच है ये एंड इट्स मैन टू इंस्पायर पीपल नॉट जस्ट वेमेन बट ऑल्सो मैन एंड मेरे कैरेक्टर का नाम है अधिराज प्रधान जो एक आई एस एस्पेरेंट है वो एक लेज़ी जीनस टाइप का बंदा है जो बहुत ही इंटेलिजेंट है लेकिन उससे उससे फ़र्क नहीं पड़ता बैक है कैफ्री है का एक सेंस ऑफ ह्यूमर है एक विट है वो चीज़ें बोलने से पहले सोचता नहीं है एंड वो मानता है कि एक एक आदमी को एक औरत के पीछे खड़े रहनाट ऑफ एक डील एंड ही बिलीव इन दैट एंड ही डज इट डज वेल सो अपने आप को देख के मुझे लगा कि हाँ ठीक है मैं थोड़ा पतला हो गया हूँ लेकिन हाँ याद दी अटेम्प टू डू समथिंग डिफरेंट एंड होपफली वी कैन अचीव दैट आई मीन एवरी यर वॉन्ट्स डू समथिंग डिफरेंट ओनली लेकिन इट एज बींग देम लेकिन हमने जेनविनली कोशिश की है जो राइटिंग है जो डायरेक्शन है सब अलग है जो कैमरा एंगल्स है जो टेकिंग है सब अलग है एंड होपफुली दैट मेक दैट एक्चुअली बी डिफरेंट सो या अधिराज द टूडेज का गाय आजकल जो आप मेल प्रोटैगन देखते हैं टी वी पे उनका एक फिक्स टेम्पलेट टाइप बन गया है कि वो सूट पहनेंगे दाढ़ी रखेंगे बाल बाहर घूमढ़े एंड औरतों से नफरत करेंगे और फिर प्यार होगा फिर नफरत होगा फिर वो प्यार करेगी ये नफरत करेगा इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है बहुत ही रियल फेस में रखा है हमने एंड लाइक यू कैन सी ही इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ गाय एंड ही डजंट हेट वुमेन एंड या ही इज अ चीयर लीडर फॉर वुमेन सो दैट इज तो मेजर डिफरेंस बिटवीन द हीरोज ऑन द अदर शोज एंड दिस हीरो मैंने अफसर बिटिया देखा नहीं है तो मैं कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि इसमें सोमवोल तो अकीर खान है इसलिए देखेगी फर्स्ट इंटरेक्शन आई थिंक यू एट ऑफ़ ऑडिशन हमने साथ में शो का ऑडिशन दिया वहाँ पे हाय हेलो हुआ था एंड देन यू मेड आर दॉट द फाइनल वॉक शूट दैन एंड बहुत ही ऐसा लगा मैं उसे बहुत टाइम से जानता हूँ एंड बहुत ही सिंपल लड़की है इमोशनल है वेरी इजी टू गैर लॉन्ग विद वेरी टॉकटिव एनर्जी ब्रे शीज ब्रेक लाइफ एंड द थिंग अचीव इट इज वेरी कमेंडेबल सो या इट्स बिन शीज अ वेरी गुड फ्रेंड टू डे या होप ऐसा ही रहे अब दो मैंने हुए काम करके लेकिन आई होप ये दोस्ती ही लंबी चले और uh, मेरा एक रूल था कि मैं कभी भी किसी के साथ खाना नहीं खाऊंगा सेट पे मुझे अकेले खाना पसंद है लेकिन पहली बार <laughs> मैं सब के साथ खाना खाता हूँ एवरी डे लंच ब्रेक पर जो मैं कभी नहीं किया है उसके पहले तो या इट्स अ वेरी बिग डील फॉर मी एंड या शी इज़ अ लॉट ऑफ फन या इज नॉट अ सिंगल डल मोमेंट ऑन सेट और ऑफ सेट शी टॉक्स अ लॉट तो दोनों के लिए वही बात कर लेती है तो काफ़ी एंटरटेनिंग है वो ऐसे हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बॉन्ड टाइप सीक्वेंस शूट किया था हमने लेकिन हमारे आजू बाजू बहुत सारे चमकादर थे बैट्स थे तो हमारे इधर इधर से गुजरतेट अर सेल्फ वंस वाई रनिंगट दिस पार्ट ऑफ अर लेग द लेफ्ट था वॉक प्रॉपरली तो उस दिन थोड़ा पैकअप जल्दी हुआ उसका हमारा नहीं तो हाँ बस ही केम बैक स्ट्रॉगली आउट ऑफ इट सो या छोटा सा बी टी एस मोमेंट था कभी इतना सोचा नहीं मैंने लेकिन हाँ लाइफ आई वु इंडिपेंडेंट वर्किंग वूमे आइडली ऑफकोर्स आजकल तो सब इंडिपेंडेंट ही होते हैं शी शुड भी वर्किंग एज वेल एंड उसका एक खुद का माइंड हो और शी शुड जस्ट भी अग्रीन टू एवरीथिंग आई से शी शुड प्रॉब्ली डिसअग्री टू एवरीथिंग आई से एंड मुझसे कम्प्लीटली अलग हो मैं बहुत बोरिंग इंसान हूँ तो शी शुड भी कम्प्लीटली डिफरेंट फ्राम मी दैट इज वन थिंग आई वॉन्ट इड माई पार्टनर इफ आई हैव आई हैव वन प्लीज़ हमारा शो देखिए ट्वेंटी फिफ्थ सेप्टेम्बर सेवन थर्टी पी एम मंडे टू फ्राइडे ऑन सोनी टी वी प्लीज़ गिव अ लॉर्ड ऑफ लव वी नीड इड थैंक यू सो मच Thanks, yeah, thank you so much. Thank you. Serials on sets to personal interviews and fun segments with actors. Subscribe to Telebites right away.